नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर मिनी ग्राउंड में जारी अंडर 21 कौमी हॉकी चैंपियनशिप के वापडा रेलवेज के माबैन दिलचस्प मैच को देखने वालों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर कासिम जिया भी मौजूद थे। रेलवेज ने हैरानकुन खेल पेश करते हुए टूर्नामेंट फेवरेट वापडा को 1-2 में 2 से शिकस्त दे दी। न्यूज 1 से गुफ्तगू में कासिम जिया ने खवातीन की खेलों में वालिदैन और तालीमी अदारों की सरबराहन के तआवुन की अहमियत पर बात करते हुए कहा, बच्चियों को प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए बहुत बड़ा हाथ है माँ बाप का, पेरेंट्स का और उनके इदारों का और उनके स्कूलों का और कॉलेजेस का, क्योंकि आपको पता है हमारी बच्चियाँ ज़्यादातर कॉलेजेस की खेलती हैं और मैं समझता हूँ कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में जितनी ज़्यादा बच्चियाँ हिस्सा लेंगी उतना हमारे लिए बेहतर होगा। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि वालिदैन का तामन ना हो तो वो भरपूर कारकर्दगी दिखाने से भी कासर रहती हैं। वालिदैन का तो बहुत ज्यादा ही ताल्लुक होता है क्योंकि अगर पेरेंट्स ही आपको परमिशन नहीं देंगे, स्पेशली गर्ल्स की जो भी गेम्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि लड़की आगे बढ़कर खेल सकेगी, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। पेरेंट्स से तो हम लोग डिसाइड होते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती कि पेरेंट्स साथ नहीं है क्या खेलना है, अगर वो नहीं हैप्पी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो साथ देंगे तो हमारी गेम ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सकती है। सदर पीएचएफ कासिम जिया के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम मुल्क का नाम रोशन करेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो कोशिश करती है और हमारा ये वादा भी है कि हमारी जूनियर और सीनियर टीम जो है उसको हम हर साल जरूर फॉरेन टूर देंगे। खवातीन का खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने से ना सिर्फ मजबूत माशरा जन्म लेगा बल्कि अकवाम आलम में पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब जहांजेब के साथ आफ्ताब अहमद ताबी, न्यूज 1 लाहौर।